एलनाबाद से विधायक एवं वरिष्ठ इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से लगातार ठेकेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कहीं अलग विधानसभा बनाने के नाम पर भी तो भ्रष्टाचार का नया एजेंडा तैयार तो नहीं हो रहा। जो पहले कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है उसी हिसाब से SIL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए और 107 गाँव हिंदी भाषी जो कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं और इसके अलावा चंडीगढ़ में जो भी आधा हिस्सा बनता है उसको लाना चाहिए, न कि दूसरी विधानसभा या अन्य कोई विकल्प रखना चाहिए। अलग विधानसभा बनाने की बात से कमजोर मुख्यमंत्री का होना दर्शाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला आज फरीदाबाद के गांव झाड़ सेठली में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे। इस मौके पर उन्होंने सितंबर में चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस को मनाने के लिए उपस्थित लोगों को न्योता दी। उनके यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विधायक और सांसद भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रह सकता है। जिस तरीके से फरीदाबाद में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, हालांकि इसको 200 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, लेकिन यह घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का और इसी तरह का घोटाला अब अलग विधानसभा बनाने के नाम पर भी करने की तैयारी तो नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लोग पानी और बिजली के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी अब जिला परिषद के मेंबर का चुनाव और नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, इसको लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद में हुए घोटाले को लेकर उन्होंने कहा, यह घोटाला 200 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वहां लोग इस घोटाले में शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री और बड़े नेता घरों में जाकर चाय पीते हैं, इसलिए जांच को दबाने का काम किया जा रहा है। सत्ता से जुड़े लोग इस घोटाले में शामिल है। जब शाह कमीशन बनाया गया, हरियाणा पंजाब अलग अलग जब दो प्रदेश बने, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा को मिलेगा और उसके साथ 107 हिंदी भाषी गांव जो हरियाणा को दिए गए थे, ये शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अगर हमारा मुख्यमंत्री कोई भी इस तरह का बयान देता है या मुख्यमंत्री अलग राजधानी बनाने की बात करते हैं या मुख्यमंत्री अलग हाईकोर्ट की और अलग सचिवालय की या विधानसभा बनाने की बात करते हैं तो वो हरियाणा प्रदेश के पक्ष को कमजोर करता है। बीजेपी की सरकार संकट में प्रदेश में है, प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। जो पुराना जो फैसला हुआ है उसको लागू कराओ, SIL का पानी भी लेकर के आओ और चंडीगढ़ को हरियाणा को जो उसके हिस्से में दिया गया शाह कमीशन के मुताबिक उसको हरियाणा में लो। इसके लिए इनको केंद्र की सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि हम अपनी अलग से विधानसभा बनाएं। ये अलग से विधानसभा बना करके कहीं ठेकेदारों के माध्यम से पैसा तो नहीं खाना चाहते इस प्रदेश में, जैसे नगर निगम में लूट मचाई इन्होंने, ये इस तरह से वहाँ भी लूटना चाहते हैं। हमारे पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और जहाँ हमने इस नगर निगम के चुनाव में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, वहीं अगली जिम्मेवारी जिला परिषद की लगाई है कि उसके लिए आप तैयारी करें और चौधरी देवीलाल जी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।